नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके मोबाइल से फ़ोटो डिलीट हो गई है, या वीडियो डिलीट हो गई है, या आपके गैलरी से डिलीट हुआ है, या फाइल मैनेजर से डिलीट हो गया है, दोस्तों से रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो गया है, आप लोग अपने मोबाइल से डिलीट हुई फ़ोटो वीडियो कैसे रिकवर कर सकते हैं, चलिए बताता हूँ। दोस्तों, इसके लिए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों से आपके मोबाइल के गैलरी से या फाइल मैनेजर से या रिसाइकल बिन से फोटो वीडियो डिलीट हो जाती हैं, आप लोग रिकवर करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर यहाँ नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ ऑल पे क्लिक करना है। इतना करने बाद आपको यहाँ कमेंट वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा रिकवर, जिस तरह मैं देखिए कमेंट कर रहा हूँ इसी तरह आपको कमेंट करना है रिकवर फोटो। दोस्तों, यहाँ पे आपको इतना कमेंट कर देना है। दोस्तों से आप लोग अपने मोबाइल से डिलीट हुई फोटो को रिकवर करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपके मोबाइल में ऑप्शन मिल जाएगा गूगल फोटोज का। दोस्तों, यहाँ पे देखे फोटोज ऑप्शन शो करा, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, ये आपको इंस्टॉल नहीं करना होता है, ये मोबाइल में इनबिल्ट आता है। दोस्तों, ये पहले से इंस्टॉल रहता है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों से आपके मोबाइल से फोटो वीडियो कोई डिलीट हो गई है, आप पुरानी से पुरानी फोटो रिकवर करना चाहते हैं, दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी फोटो शो करती हैं। दोस्तों से फोटो आपको कोई डिलीट हो गया है, आप लोग वापस लाना चाहते हैं, आपने काफी सारी वीडियो देख ली हैं दोस्तों लेकिन वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह करना होगा, ऊपर ऑप्शन शो करा यहाँ प्रोफाइल का, आपको यहाँ प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। मैं आपको देखे और जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखे ईमेल आईडी शो करी है, मैनेज योर गूगल अकाउंट, और नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोटोज सेटिंग्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों से आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए सेटिंग बैकअप एंड सिंक। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑफ है। दोस्तों, जब अभी आप मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस सेटिंग को जरूर ऑन करके रखना है। दोस्तों से आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे ऑन कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लिमिट मिल जाती है, आप यहाँ 15 GB तक का यहाँ फोटो वीडियो सेव कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, बस आपको यहाँ पे देखिए इसे ऑन करना है। इतना करने बाद और नीचे आना है और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन शो करा, सेटिंग में अपलोड साइज। दोस्तों, यहाँ पे फोटो आप किस साइज में अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे देखे तीन ऑप्शन शो करें, जैसे आप लोग ओरिजिनल साइज में फोटो को देखे यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ फर्स्ट वाले पे टिक करना है। दोस्तों से आप लोग चाहते हैं मेरा डाटा ज्यादा यूज ना हो, स्टोरेज सेवर करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पे क्लिक करना है। जैसे फोटो वीडियो को आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ थर्ड वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों, लेकिन आप लोग ओरिजिनल क्वालिटी में रखिए तो यहाँ फर्स्ट वाला ओरिजिनल क्वालिटी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन शो करा, आपको इसे देखे अपग्रेड एग्जिस्टिंग, यहाँ पे देखे जो ऑप्शन शो करा यहाँ पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर देना है। इतना करने बाद यहाँ से बैक आ जाना है। दोस्तों, ये सेटिंग हो गई और यहाँ देखे मोबाइल डाटा यूजेस, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल डाटा यूजेस में डेली लिमिट फॉर बैकअप। दोस्तों से आप लोग डेली अपने मोबाइल में फोटो वगैरह खींचते रहते हैं, डाउनलोड करते हैं या वीडियो लेते हैं, आप लोग जैसे यहाँ पे डेली बैकअप कर देते हैं तो यहाँ पे देखे आप चाहते हैं कितना मेरा डेली MB खत्म हो यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखे 5 MB, 10 MB, 30 MB, आप चाहते हैं अनलिमिटेड डाटा आपका है, आप चाहते हैं जो भी फोटो वीडियो है सभी यहाँ पे बैकअप लेता रहे तो आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको इतना कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। दोस्तों, फिर और नीचे आना है और यहाँ देखे बैकअप डिवाइस फोल्डर, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे देखे फोल्डर शो करें। दोस्तों, यहाँ पे देखे आप किस चीज का बैकअप लेना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप लोग कोई फोटो वीडियो डाउनलोड करते हैं तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, पिक्सल लैब या आपके मोबाइल में जो फोटो है उसको ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों से मेरे व्हाट्सएप में जो फोटो आती हैं मैं चाहता हूँ उसका बैकअप ये लेता रहे तो यहाँ व्हाट्सएप इमेज, दोस्तों हमें यहाँ पे देखे ऑफ है तो यहाँ पे क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। दोस्तों, इसी तरह जो जो भी आप चाहते हैं उसे ऑन कर लेना है। दोस्तों, फिर ये ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल में फोटो वीडियो डाउनलोड करेंगे या आप लोग फोटो खींचेंगे ये ऑटोमेटिक डेली बैकअप लेता रहेगा। दोस्तों से ये
ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा। कभी भी आपका मोबाइल रीसेट हो जाता है या कोई फोटो डिलीट हो जाती हैं, वीडियो डिलीट हो जाती हैं, तो दोस्तों आपको बस जो ये जीमेल है, आपको ये जीमेल आपको याद करके रखना है, इस जीमेल को लॉगिन करना होगा और आप लोग अपने बैकअप को देखें यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरे से आप लोग लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे सभी फोटो सभी शो करती हैं। दूसरे से कोई फोटो को आप वापस लाना चाहते हैं जो यहाँ पे फोटो शो करी है, आप लोग इसे अपने मोबाइल की गैलरी में लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे फोटो शो करी है आप लोग इसे गैलरी में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए थ्री डॉट, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ एड टू एल्बम, जहां भी आप सेव करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप लोग अपने मोबाइल से डिलीट हुई फोटो वीडियो को वापस ला सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पहले बैकअप को सेटिंग कर देना है, फिर आपको कुछ करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।